हेलो फ्रेंड्स, 12th एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसके पिछले तीन वीडियोस में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और गैमेटोजेनेसिस, जिसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस ये कंप्लीट करा दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए, मैमल्स दो प्रकार के हैं, प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में आपके ह्यूमन, उसके बाद जितने एप्स हैं गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरिंगटॉन, गिब्बन, ये सब आते हैं, और साथ में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ये प्राइमेट्स हैं, और बाकी सारे मैमल्स नॉन प्राइमेट्स हैं। तो प्राइमेट्स में फीमेल में एक साइकिल चलता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। इसमें पीरियोडिकली ब्लीडिंग होता है फीमेल को, मतलब ब्लड बाहर आता है, ब्लीडिंग होती है। लेकिन ओएस्ट्रस साइकिल जो दूसरे फीमेल्स में चलते हैं, दूसरे मैमल्स में चलते हैं अदर देन प्राइमेट्स, उनमें ये भी पीरियोडिक होता है, लेकिन एक तो ज़्यादातर में सीजनल होता है, दूसरा ये कि इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है, तो उसे हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल हम देखें, जैसे मानव में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल में 28-29 दिनों के आसपास का होता है। इस बीच में उसमें एक तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बहुत सारे, दूसरा उसकी ओवरी में जो ग्राफेन फॉलिकल है उसका मेचुरेशन होता है, कार्पस लूटियम बनना, ओविलेशन होना, ये सब होती हैं, और तीसरा उसके यूट्रस का जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसका मोटा होना, फिर टूट के बाहर आना, ये तीन चीज़ें एक साथ यहाँ पर चलते रहती हैं। तो इस फिगर में इन तीनों चीज़ों को ये बताया हुआ है, देखिए कैसे होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम एक तारीख से या पहले दिन से हम माने, तो एक से लेके करीब 4-5 दिनों तक तो ब्लीडिंग होता है। ये जो लेयर दिखा रहा है ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम है, जो पीरियोडिकली पतला और मोटा होते दिख रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। ये वाले जो फिगर्स हैं ये ओवरी के अंदर जो ओवम हो ओवम और ग्राफियन फॉलिकल के साथ हो रहा है, इसके बारे में ये बता रहा है। और ये जो ग्राफ बना हुआ है ये जो है कौन कौन से हार्मोन का कितना कितना लेवल कब जाना हो रहा है, ये एक से लेके 28-29 दिन तक ये क्या क्या होते हैं तीनों में ये बता रहा है। और ये भी लेवल जो है ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का है, ये FSH LH का है, ये दोनों हार्मोन के लिए बनाए गए हैं। ओके, ग्राफ देखिए अब क्या क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर पहले से लेके पाँचवें दिन तक, एक से 4-5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। ये जो ये दिख रहा है आपको, ये ब्लीडिंग का संकेत है। ब्लीडिंग के दौरान क्या होता है, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम है, जो लेयर है सबसे अंदर का, जो म्यूकस का लेयर है, जो ग्लैंडुलर है, बच्चे का पालन पोषण वहीं पर होना चाहिए, वहीं पर होता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम का लेयर है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान टूट करके ब्लड के साथ बाहर आ जाता है, और ये लेयर थोड़ा पतला हो जाता है। अब इस बीच में क्या होता है कि इधर आप देखें तो FSH और LH सिक्रीट होने शुरू होते हैं। FSH पहले ज़्यादा सीक्रेट होता है, बाद में इसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, और LH थोड़े बाद में सीक्रेट होता है और बाद में इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये 13-14 दिन तक ये प्रोसेस हो रहा है, देखिए, है ना। और जो 14वें दिन है LH का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, इस बीच में FSH भी थोड़ा बढ़ा हुआ है 14वें दिन, 14th डे पे। और इस दौरान ये जो एंडोमेट्रियम है ये भी धीरे धीरे अब ये अपना थिकनेस बढ़ा रहा है, देखिए अपने लेयर का थिकनेस बढ़ा रहा है। ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि इस बीच में एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है, बढ़ता चला जाता है, आप देख सकते हैं, और 14वें दिन एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इस बीच में काफ़ी कम होता है, और 14वें दिन के बाद चूँकि ओव्यूलेशन के बाद ये जो कार्पस ल्यूटियम बनता है उसके कारण से अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल 14वें दिन से बढ़ना शुरू होता है। इस बीच में देखिए जब FSH LH बढ़ रहे हैं तो ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल जो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, और ये इस तरह से मेच्योर होते चले जाते हैं। तो ग्राफिन फॉलिकल किसी एक ओवरी में एक महीने में, अगले महीने दूसरी ओवरी में ना एक मेच्योर होती है बस ग्राफिन फॉलिकल, और ये 14वें दिन तक जाकर के काफ़ी ज़्यादा मेच्योर कंडीशन में आ जाती है, और फिर ये ओव्यूलेशन करती है 14वें दिन। ओव्यूलेशन के दौरान ये ओवम को रिलीज़ कर दिया इसने,
और खुद जो है अब कार्पस ल्यूटियम में बदल गया। ये आपका ग्राफिन फॉलिकल। और ओव्यूलेशन से पहले ग्राफिन फॉलिकल से चूंकि एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट होता है, इसलिए एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल इस बीच में बढ़ते चला जाता है, देखिए। और जैसे ओव्यूलेशन कर लेती है तो इसमें से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन अब कम होने लगता है, इसलिए ये लेवल घट गया, देख सकते हैं। लेकिन इस बीच में चूंकि ये कार्पस ल्यूटियम बन गया और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर दिया, तो ये देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ने लग गया। तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है 20वें 21वें दिन 22वें दिन तक काफ़ी ज़्यादा लेवल में बढ़ा हुआ रहता है और एस्ट्रोजन कम रहता है। इस बीच में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और ये जो मोटाई बढ़ा हुआ है, देख सकते हैं 20, 21, 22, 23, 25 दिन तक ये जो लेवल है प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ते रहता है, और इस दौरान जो एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो भी बढ़ते रहता है, और बढ़ते बढ़ते टॉप लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो इस बात का आभास जब शरीर को होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, हाइपोथैलेमस को होता है, तो अब क्या होता है कि ये कार्पस ल्यूटियम अपना सिक्रीशन धीरे धीरे बंद करने लगता है और खुद जो है धीरे धीरे डिजेनरेट हो जाता है और कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है डिजेनरेट होके। तो जब ये डिजेनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होने लगेगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब कम होने लगेगा तो ये एंडोमेट्रियम जो है, जो मोटा होके रहा है, इसका मेंटेनेंस गड़बड़ाएगा और फिर से 28वें 29वें दिन ये टूट के बाहर आने लगेगा और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाएगा। इस बीच में ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है ये फिर से थोड़ा बढ़ता है, क्योंकि अब जो है नेक्स्ट ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण चालू हो चुका है, उसका मेचुरेशन चालू हो चुका है, तो वहां से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। इसमें से नहीं सिक्रेट होगा, नेक्स्ट वाले से सिक्रेट होगा जो नेक्स्ट मंथ के लिए बन रहा है। और इस बीच में आप देख सकते हैं कि 14वें 15वें दिन जो है, 14वें दिन LH का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, FSH का भी थोड़ा बढ़ा, लेकिन उसके बाद फिर से कम हो गए और फिर से देखिए बढ़ने शुरू हो गए। देखिए ये फिर से बढ़ने शुरू हो गए क्योंकि अब नेक्स्ट ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण हमको करना है, और ग्राफिन फॉलिकल जैसे बढ़ने शुरू होते हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी बढ़ने लगता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन चूंकि अब ये कम होने लग गया, ये कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया। तो कुल मिला के ये है कि 1 से लेकर 14वें 15वें दिन तक कार्पस, ये जो ग्राफिन फॉलिकल है, डेवलप हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, उसके बाद ये कार्पस ल्यूटियम बना तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने लग गया, एस्ट्रोजन का कम हो गया क्योंकि अब ये जो है ग्राफिन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम बन गया तो एस्ट्रोजन नहीं सिक्रेट कर पाएगा, लेकिन एस्ट्रोजन आगे चल के फिर बढ़ने लगता है क्योंकि अब नेक्स्ट ग्राफिन फॉलिकल बनना शुरू हो गया, क्योंकि अब फिर से FSH सिक्रेट होना शुरू हो गया। तो ये 1, 2, 3 और 4 चीज़ें एक साथ इस फिगर में बताया है। ये NCERT ने बहुत बढ़िया यहाँ पर फिगर दे रखा है, इसको आपको ठीक से समझना है कि जो यूटरस की जो दीवार है अंदर की, एंडोमेट्रियम, वो लगातार मोटी और पतली होती है। मोटी किस लिए होती है? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसको एम्ब्रियो को पालना पड़ेगा, एम्ब्रियो का पालन पोषण करना पड़ेगा, इसके लिए मोटी हो जाती है। लेकिन जब देखती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर वो वापस पतली हो जाती है, टूट के निकल जाती है जो एक्स्ट्रा बनाई हुई है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर ये मोटा लेयर जो है बना रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई बना रहेगा और FSH LH का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, लेकिन वो प्रेगनेंसी होने पर। अभी तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तब चलेगा जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है ना, तब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले महीने आएगी, और नहीं तो फिर अगले महीने का मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं आएगा और वो महिला प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स, फॉर एग्जाम्पल मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बींग्स। इसमें ध्यान रखेंगे कि मंकी जो है ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड मंकी जो है वो उसमें एस्ट्रस साइकिल चलता है, और एप्स जो है इसमें गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरिंगुटान, गिब्बन्स, ये सब आते हैं, और ह्यूमन बींग, ये सब प्राइमेट्स हैं। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। जो प्यूबर्टी है, मेनार्क है, ये फीमेल में 10-11 साल की उम्र में आना चाहिए, 1-2 साल आगे पीछे भी होते रहता है, कोई दिक्कत नहीं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे होगा तो चिंतनीय विषय है, है ना। आगे तो नहीं होना चाहिए, पीछे आ जाएगा तो 1-2 साल पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे आ गया तो मतलब वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आ रही है, वो फीमेल जल्दी ही प्यूबर्टी को आ रही है, तो फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जल्दी करना चाहेगी, ऐसा है। इन ह्यूमन फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड
at an average interval of about 28-29 days, and the cycle of the events starts starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब पूरे महीने भर में जो जो चीज चेंज हो रहा है, जो हमने अभी फिगर में देखा वो सब मिलाकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लेकिन जो सिर्फ ब्लीडिंग वाला स्टेज है वो मेंस्ट्रुएशन कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहलाएगा, मेंस्ट्रुएशन. और जो पूरे महीने भर में जो चेंज हो रहे हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ध्यान रखेंगे. वन ओवम इज रिलीज्ड ओवुलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये मिडिल होता है 14th डे. तो एवरेज हम मानते हैं कि 14th डे पे ओवुलेशन होता है. ध्यान रखेंगे कि ओवुलेशन 14th डे पे हो या 15th डे पे हो या 13th डे पे हो, लेकिन जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन है वो ठीक 14 दिन बाद आएगा. जिस दिन ओवुलेशन होगा उसके ठीक 14th डे पे उसका नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा. हाँ, ओवुलेशन एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक दो दिन आगे हो जाएगा आगे, लेकिन ओवुलेशन के ठीक 14वें दिन बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप. द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन फिगर. तो हमने अभी फिगर देखा. द साइकिल स्टार्ट्स विद इन द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट्स फॉर 3-5 डेज. जो जो ब्लीडिंग होता है वो 3-5 दिनों तक होता है. उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली ब्लीडिंग क्यों होता है, देखिए यूटरस की जो वॉल है ये जब टूट के बाहर आती है, ये वॉल तो टूट के बाहर आती है तो फिर वहाँ पर घाव हो जाता है, समझ सकते हैं, जो यूट्रस की वॉल है अंदर की तरफ उसमें घाव हो जाता है, उससे ब्लड आता है, और ये 3-5 दिनों में धीरे धीरे रिपेयर हो जाता है. तो रिपेयर होके फिर वो ब्लीडिंग होनी बंद होती है. लेकिन इस ब्लड की एक बड़ी विशेषता है कि ये ब्लड क्लॉट नहीं करता है, और ये माना जाता है, देखिए ये जो मेडिकल मॉडर्न मेडिकल साइंस है तो इस पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करता है, लेकिन जो आयुर्वेद है और पुराने जो हमारे सिस्टम रहे हैं वो ये मानता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उससे फीमेल की बॉडी की इंटरनल क्लीनिंग होती है, और जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स वगैरह शरीर में होते हैं वो सब उस ब्लड से बाहर निकलता है, इसलिए इसका प्रॉपर ब्लीडिंग होना भी ज़रूरी होता है. अगर किसी फीमेल में ये ब्लीडिंग बहुत कम होता है, नहीं होता है या बराबर नहीं आता है, तो फिर उस फीमेल की जो फिजिकल हेल्थ है वो बिगड़ने लगती है. और किसी की बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होने लग गई तो उसमें भी ब्लड की कमी हो जाती है, उसको एनीमिया हो जाता है. इसलिए एक लिमिटेड टाइम तक 3-5 दिनों तक उसकी बढ़िया से ब्लीडिंग होनी चाहिए, उसके बाद वो धीरे धीरे बंद हो जानी चाहिए. तो 3-5 दिनों तक ये ब्लीडिंग होती है. द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना. तो मैंने अभी आपको बताया कि जो यूट्रस का अंदर की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वो टूटती है, वहाँ से ब्लड वेसल भी टूट जाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा बने हुए थे ना, हर महीने वो एक्स्ट्रा बनते हैं और फिर टूटते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग होती है. मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड. एकदम सही है, मैंने बताया है फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है. लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. अगर किसी महीने उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया तो मान के चलो प्रेग्नेंट हो गई है और उसका फर्टिलाइजेशन 15 दिन पहले हुआ है. जैसे मान लो किसी फीमेल का 1 तारीख को मेंस्ट्रुअल साइकिल आना था लेकिन वो नहीं आया, तो मान के चलो कि 15 दिन पहले वो फर्टिलाइज हुआ, क्योंकि जो बीच है ठीक 14-15 दिन वहीं पर ओवुलेशन होता है और 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसको फर्टिलाइज हुए और ये 14-15 दिन हो चुके हैं, और अगर वो 4-5 दिन और वेट करती है कि शायद आ जाएगा तो फिर 20-22 दिन हो जाते हैं फर्टिलाइज हुए, और फिर वो जब चेक करती है तो वो क्या करती है कि ब्लड में या यूरिन में HCG को चेक करती है. एक किट आता है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट आता है, उसमें सुबह के यूरिन को एक दो बूंद डालेंगे तो लाइन दिखाने लगता है, ऐसे एक पतली सी स्टिक जैसी होती है उसमें यूरिन डालेंगे तो वो एक दो लाइन दिखा देती है प्रेग्नेंट है. तो एक्चुअली वो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन को वो चेक करती है जो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होती है शुरू शुरू में, और नहीं तो फिर ब्लड टेस्ट कराने के लिए या यूरिन टेस्ट कराने के लिए लैब में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी वही चेक करते हैं लोग, है ना, तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है. हाउएवर इट मे आल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉसेस लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ एटसेट्रा. किसी महिला का, किसी लड़की का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल सही ढंग से नहीं आ रहा है या टाइम से नहीं आया तो 100% गारंटी नहीं कि वो प्रेग्नेंट है, हो सकता है उसको एनीमिया हो, ठीक है, उसमें ब्लड की कमी रहेगी तो भी डिले होगा,
या उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस रहे तो भी ये डिले होगा। तो इसके लिए कुछ दवाइयाँ चलती हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी मार्केट में आती हैं, जैसे अशोका रिष्ट इसके लिए पिलाया जाता है, तो उसका वो मेंस्ट्रुअल साइकिल सही आने लगता है फिर धीरे धीरे करके। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज। देखिए, अब मेंस्ट्रुएशन हुआ, ब्लीडिंग हो गई, उसके बाद नया ग्राफिन फॉलिक्यूल बनना शुरू होगा। इसके लिए क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH रिलीज होगा, है ना, नया ग्राफिन फॉलिक्यूल का डेवलपमेंट शुरू होगा। साथ ही साथ वो ग्राफिन फॉलिक्यूल से एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होगा। तीसरा चीज की जो यूट्रस की लाइनिंग है वो फिर से मोटी होनी शुरू होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बीच में चालू हो जाती हैं। ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो टू बिकम ए फुली मेच्योर्ड ग्राफिन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन। तो इधर ग्राफिन फॉलिकल तैयार हो रहा है, उधर यूट्रस तैयार हो रहा है, उधर FSH LH सीक्रेट हो रहे हैं, इधर एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें पहले 14 दिन तक चलते रहते हैं, फिर 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा, ठीक है, उस समय LH काम करेगा, फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होगा। दीज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स। पिट्यूटरी हार्मोन है FSH LH, ओवेरियन हार्मोन है एस्ट्रोजन जनरली और प्रोजेस्टेरॉन बाद में। द सीक्रेशन ऑफ ये एक यहाँ पर थोड़ा सा एक पैराग्राफ यहाँ से मिसिंग है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। FSH का सिक्रीशन और LH का सिक्रीशन, ये मैंने आपको बताया है कि शुरू में FSH का सिक्रीशन ज़्यादा होगा, पहले 10-11 दिन तक FSH का सिक्रीशन होगा, ठीक है, उसके बाद 11-12 दिन से LH के सिक्रीशन का लेवल बढ़ेगा और जो ग्राफिन फॉलिकल है उसका मेच्योरेशन फाइनली 13-14 दिन तक हो जाता है। तो शुरू में ग्राफिन फॉलिकल को मेच्योर कराने का स्टार्टिंग करता है FSH, फाइनल मेच्योर कराता है FSH और LH, फिर उसके बाद 14वें दिन 14th डे पे ओव्यूलेशन कराता है LH। तो ये सारी चीज़ें पहले 14 दिन में हो चुकी हैं और इस दौरान जो ग्राफिन फॉलिकल मेच्योर होते जा रही है उसका जो थीका इंटरना एक्सटर्ना है वो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती है और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ये जो एंडोमेट्रियम है उसकी मोटाई को बढ़ाते रहती है, ठीक है, और वो तैयार करते रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटाई नहीं बढ़ती, मोटाई बढ़ती ज़रूर है। उसके बाद जब 14th डे पे ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के तुरंत बाद ग्राफिन फॉलिकल जो है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो एंडोमेट्रियम है इसको और मोटी करते चली जाती है। तो 20वें 21वें दिन तक वो काफ़ी मोटी हो जाती है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो 14th डे से अगले 7th डे पे यानी 22-23 तारीख तक जो है वो आकर के यूट्रस में जुड़ेगा जाइगोट। इसके लिए वो 21वें 22वें दिन तक पूरा तैयार कर पाता है यूट्रस को, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर 27वें से 28वें दिन तक इतनी कम हो जाती है लेवल कि वहाँ पर फिर वो मेंटेन नहीं रह पाती है यूट्रस की वॉल और फिर वो ब्रेक होकर के मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में वो बाहर आने लगती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसमें आगे एक पैराग्राफ मिसिंग है, कोई बात नहीं है, मैंने आपको पूरा बता दिया। अब है मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ठीक है, इस दौरान फीमेल को किस तरह की हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना चाहिए। तो आजकल तो बहुत इजी है कि सैनिटरी पैड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ एक दो फिल्म भी बनाए गए हैं इस पे जागरूकता लाने के लिए, क्योंकि पहले क्या था कि जो फीमेल्स थे वो क्लॉथेस को यूज़ करते थे सैनिटरी पैड की तरह। तो क्लॉथेस क्या होते थे, एक तो जल्दी ख़राब होते थे, जल्दी से उनमें बैक्टीरिया माइक्रोब्स वगैरह का इन्फेक्शन होता था, उसके कारण से फीमेल को इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता था। लेकिन अब जो है, चूँकि सैनिटरी पैड्स हैं मार्केट में, उनके उपयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाई गई है, जैसे पैडमैन करके एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार जी की, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा जागरूकता इसमें फैलाई है। तो ये जो सैनिटरी पैड्स हैं इनकी कई सारी विशेषताएं हैं। एक तो क्या है, ये लिमिटेड टाइम तक एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद ये डिस्पोज करना है इसको, मतलब डिस्पोजेबल होते हैं, तो रिपीट नहीं करना है करके इससे इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता। दूसरा चीज़ क्या है, इसमें अच्छे एब्जॉर्बेंट जेल वगैरह रहते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो को, तो वो कॉन्टैक्ट में नहीं रहता स्किन के, तो इससे भी इन्फेक्शन नहीं होता है।
तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, प्रॉपर उसको चेंज करना, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो टेक बाथ एंड क्लीन योरसेल्फ रेगुलरली, ये तो बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नहाना रहता है, जरूरी रहता है, और वेजाइनल पोर्शन को क्लीन करने के लिए अच्छे क्वालिटी के साबुन वगैरह यूज़ करना है। यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन जो है होममेड पैड्स। तो यहाँ पर होममेड पैड्स जो हैं अब ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये सस्ता भी है जो पैड है, और उनको यूज़ करना आसान होता है, तो ज़्यादातर लोग सैनिटरी पैड का उपयोग करते हैं। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours, क्योंकि शुरू में पहले 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो इस दौरान रेगुलर 4-5-6 घंटे में ये सैनिटरी पैड्स चेंज करने की आवश्यकता होती है। एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होता है वैसे चेंज करना है, मेन चीज़ें हैं। डिस्पोज ऑफ द यूज्ड सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली, रैपिंग इट विथ द यूज्ड पेपर। देखिए आजकल जो है स्कूलों में कॉलेजेस में सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन लगाई जाती है, जिसमें 2 रुपये 5 रुपये जो भी उस कॉलेज या स्कूल का नियम है उसको डालने से एक सैनिटरी पैड निकल आता है, और जो यूज्ड सैनिटरी पैड है उसके लिए एक मशीन और लगाई जाती है जो उसको बर्न करती है, ठीक है, उसको इंसिनरेशन मशीन कहा जाता है, इंसिनरेशन मशीन, ठीक है। तो यूज्ड पैड को उसके अंदर डाले तो फक से उसके अंदर वो आग लग करके वो बढ़िया से जल के ख़त्म हो जाता है, तो ये उसके डिस्पोजल का सबसे अच्छा तरीका है। अगर नहीं है ये सिस्टम तो कोई बात नहीं है, उसको ठीक से डिस्पोज करना है, पेपर में लपेट करके उसको प्रॉपर जो है डिस्पोज करना, ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि वो मेंस्ट्रुअल फ्लो उसमें है और वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, ठीक है, तो वो किसी दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगा या किसी एनिमल के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसको प्रॉपर डिस्पोज करना आवश्यकता है। खैर ये सब चीज़ें फीमेल्स को समझाने की जरूरत नहीं है, वो हमसे बेहतर जानती हैं कि किस तरह से इसको डिस्पोज करना है और कैसे करना है। डू नॉट थ्रो द यूज्ड नैपकिन्स इन द ड्रेन पाइप और टॉयलेट्स और इन द ओपन एरिया, ये बड़ी समस्या है, इसके बारे में जरूर बात करूँगा। ये तो हमने देखा है कॉलोनीज में प्रॉब्लम होती है कि कई फीमेल क्या सोचती हैं कि जो टॉयलेट है उसमें कुछ भी डालेंगे तो चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। टॉयलेट में एक ऐसे पाइप लगा होता है, ऐसे घुमावदार पाइप, उसमें से सॉलिड इस टाइप की चीज़ें नहीं पास होती हैं, वो अटक जाता है उसमें, इसलिए कभी भी इस टाइप के पैड वगैरह को ड्रेनेज पाइप में, नाली में, इस टाइप की जगहों पे, टॉयलेट में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो अटकेगा वो, ठीक है, और अटकेगा तो पूरा ड्रेनेज चोक हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ें हम लोग अपने कॉलोनी में भुगत चुके हैं, लोगों ने कर दिया था ये, है ना, तो ये थोड़ा सा फीमेल्स को ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसी गलतियाँ ना करें। आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन वॉश हैंड्स विथ सोप, तो हाथ धोना है साबुन से, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो ज़्यादातर फीमेल्स इसको करती हैं। वो जो एक पेज हम लोग पीछे मिसिंग कर रहे थे, एक पैराग्राफ, वो यहाँ आ गया है, ठीक है, वो हम अभी पढ़ लेते हैं उसको क्या था, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है, ताकि फिर से अपन आ सकें उस चीज़ को। ये देखिए यहाँ पर लिखा था द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन LHFSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। तो हम वहाँ पर फॉलिकुलर फेज पढ़ रहे थे कि शुरू में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ, मतलब मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ 1 से लेकर 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इस बीच में हम बात कर रहे थे FSH और LH का सिक्रीशन बढ़ता है, ठीक है, इनको गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। तो हमने ये देखा कि FSH LH बढ़ने से ग्राफिन फॉलिकल डेवलप होना शुरू हो गया, उससे एस्ट्रोजन भी सिक्रेट होना शुरू हो गया। एस्ट्रोजन जो है वहाँ पर जाके पहले काम करता है, वो जो एंडोमेट्रियम है उसको थोड़ा मोटा करना शुरू कर देता है, तो शुरू में एंडोमेट्रियम की मोटाई एस्ट्रोजन के द्वारा बढ़ाई जाती है, बाद में और मोटाई बढ़ाई जाती है प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा 14 दिन के बाद, ठीक है। बोथ LH एंड FSH अटेन ए पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। मैं आपको बता दूं कि 10 दिन तक तो FSH ज़्यादा रहता है, फिर उसके बाद LH का लेवल बढ़ना शुरू होता है, और 13वें दिन LH का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो फाइनल मैच्योरेशन और ओवुलेशन का काम LH का है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH, ये देखिए रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड LH सर्ज इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम, दैट इज ओवुलेशन।
तो यही है कि एलएच का लेवल काफी बढ़ जाता है, उसको एलएच सर्ज कहा जाता है। सर्ज का मतलब होता है तेज हो जाना, ठीक है ना। तो एलएच सर्ज हो गया, तेज हो गया, एलएच का लेवल ज्यादा हो गया और उसके कारण से जो ग्राफिन फॉलिकल फट जाती है और वहां से ओवम रिलीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ध्यान रखेंगे ओव्यूलेशन का काम एलएच कराता है, ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको। द ओव्यूलेशन ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। अब देखिए ल्यूटियल फेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन के तुरंत बाद जो ग्राफिन फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन चालू हो जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम का बनना और उसका काम करना ये ल्यूटियल फेज कहलाता है। ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इज द कार्पस ल्यूटियम, सो कॉल्ड ल्यूटियल फेज। ठीक है, द कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम, है ना। तो एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस और उसको और मोटा करने के लिए वहां पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की आवश्यकता होती है। सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है ना। क्योंकि एंडोमेट्रियम मोटी हो जाएगी तभी वो एम्ब्रियो को लोड कर पाएगी, ठीक है ना, अपने में होल्ड कर पाएगी, ऐसा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। तो अगर वो प्रेग्नेंट हो गई ना तो फिर आगे का प्रोसेस रुक जाएगा और कार्पस ल्यूटियम बने रहेगा 9 महीने तक, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करते रहेगा। ये अलग बात है कि प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे महीने से चूंकि प्लेसेंटा पूरी डेवलप हो चुकी रहती है तो कार्पस ल्यूटियम का ज़्यादातर काम प्लेसेंटा अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है, और वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होना शुरू हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और 9 महीने तक ये सब चीज़ें होती रहती हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एफएसएच एलएच का सिक्रीशन भी रुक जाती है। एक बात और बता दें कि ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो एफएसएच एलएच का सिक्रीशन बढ़ेगा, ध्यान रखेंगे। और चूंकि प्रेगनेंसी में ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं ऑलरेडी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ज़्यादा रहती है तो फिर एफएसएच एलएच सिक्रीट नहीं होती, इसके कारण से नया ग्राफिन फॉलिकल नहीं बनता और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। इन द एबसेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, 20-22 दिन तक वेट किया, मतलब 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ तो अगले एक हफ्ते तक वेट किया, 20-21वें दिन तक, उसके बाद फिर कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम होते ही 28-29 दिन में फिर वो मेंस्ट्रुएशन चालू हो जाएगा। दिस कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन मार्किंग ए न्यू साइकिल, वहां से नया साइकिल चालू हो जाएगा। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो 45 से 50 साल की उम्र में मेनोपॉज हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, उसके बाद फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो मेनार्क है 10-11 साल की उम्र फीमेल में जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है और मेनोपॉज 45-50 साल जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, इस बीच में ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव साइकिल चलते रहता है फीमेल में, ठीक। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देखिए सबसे पहले देखिए फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है, जब ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन तो अगले 24 घंटे तक जो ओवम है वो लाइव रहती है और फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल रहती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें-15वें दिन के बीच में, 14वें-15वें-16वें दिन तक भी हो सकता है कई बार, मतलब 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक अधिकतम ये फर्टिलाइजेशन हो सकता है। और स्पर्म का जो लाइफ होता है फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी वो करीब 3 दिनों का रहता है, 72 घंटे का रहता है। तो आप ये समझिए कि अगर ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले अगर उसको स्पर्म दे दिया गया है तो अगले 3 दिन तक फर्टिलाइज कर सकता है, तो जैसे ओव्यूलेशन होगा फर्टिलाइज कर देगा। या फिर ओव्यूलेशन के अगले 2-3 दिन तक भी अगर उसको स्पर्म मिला तो भी वो फर्टिलाइज कर सकता है, मतलब इधर आप 10-11 दिन से लेकर के उधर 17-18 दिन के बीच में अगर स्पर्म देते हैं तो फिर वो महिला फर्टिलाइज हो जाएगी, ऐसा चांस सबसे ज़्यादा रहता है। अन्यथा इधर 10-11 दिन से पहले इधर चूंकि ओवम नहीं मिल पाएगा स्पर्म को तो फर्टिलाइज नहीं हो सकती, तो 10 दिन तक जो है सेफ कॉपुलेशन पीरियड माना जा सकता है, इंटरकोर्स किया जा सकता है, उधर 17-18 दिन के बाद इंटरकोर्स करना भी सेफ रहता है, उसमें फर्टिलाइज नहीं हो सकते। तो जो स्पर्म है वो वेजाइना में छोड़े गए
अब वहां से वो चलते चलते जो है वेजाइना से चलते चलते और यूट्रस को पार करके वो फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला तक पहुंचते हैं। और इधर अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो एम्पुला तक पहुंचने में भी उसको 20-22-24 घंटे लग जाते हैं। तो उतने तक एम्पुला तक पहुंचा, ये स्पर्म पहुंचा और दोनों वहां पर फर्टिलाइज हो सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, देखिए कि जो ओवम है और ये स्पर्म है, ठीक है, ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये जो ओवम है एक केमिकल सिक्रीट करती है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजिन। ये एक स्पर्म है, केमिकल है जो ओवम सिक्रीट करती है फर्टिलाइजिन, और स्पर्म जो सिक्रीट करता है उसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। ये दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए एंटी फर्टिलाइजिन, ये एक दूसरे के लिए लॉक एंड की तरह काम करते हैं, लॉक एंड की हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। मतलब जिसका लॉक रहेगा उसी का की उसमें फिट हो सकता है और खोल सकता है उसको। मतलब अगर ह्यूमन बॉडी का ओवम है तो ह्यूमन बॉडी का स्पर्म दोनों का फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन मैच होंगे तभी वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक, सबसे पहले आइडेंटिफाई हुए। अब देखिए कि जो ओवम है, ओवम के चारों तरफ कम से कम दो मेम्ब्रेन तो होते ही हैं। एक है जोना पेलुसिडा जो ठीक सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, उसके बाद कोरोना रेडिएटा जो ऐसे रेडिएटिंग सेल्स के बने होते हैं, ऐसे कोरोना रेडिएटा है ना। और इसमें एक और लेयर रहता है, वो है हाइलुरोनिडेस का लेयर। तीन लेयर होते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म है वो स्पर्म लाइसिन सिक्रीट करता है, स्पर्म लाइसिन, और ये सिक्रीट करता है इसके हेड में जो रहता है एक क्रोसोम, ये सिक्रीट करता है स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन में इन्हीं सभी लेयर को जो ओवम के चारों तरफ रहता है उन्हीं सभी लेयर को पेनेट्रेट करने की पावर होती है। तो स्पर्म लाइसिन में पहला जो एंजाइम है वो है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज जो ओवम के चारों तरफ हाइलुरोनिक एसिड का लेयर है उसको ब्रेक करता है। तो पहला एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज ये पहला एंजाइम, ठीक है, जो यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करेगा। दूसरा है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम जो इस कोरोना रेडिएटा को भेदेगा, इसके लेवल को भेद जाएगा। और तीसरा एंजाइम है इसमें जोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम जो जोना पेलुसिडा को पेनेट्रेट कर जाएंगे, और फिर ये टोटल एक पोर बन जाएगा जिससे ये एंटर कर जाएगा। लेकिन इससे पहले देखिए, चूंकि ओवम एक होती है और इस तक पहुंचने वाले स्पर्म की संख्या करीब 10,000 होती है। अब इसकी तुलना करिए आप कि जब वेजाइना में छोड़े गए थे स्पर्म तो उस समय स्पर्म की संख्या थी 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़, 40 करोड़ और कभी कभी 120 करोड़ तक भी होती है। हालांकि एनसीईआरटी में 200 मिलियन से 300 मिलियन दिया है, मतलब 20 से 30 करोड़, ठीक, 20 से 30 करोड़ स्पर्म वेजाइना में छोड़ा गया। अब उनमें से सिर्फ 10,000 वहां तक पहुंचे, मतलब बाकी रास्ते में मर गए। कुछ तो वेजाइना में मर जाते हैं क्योंकि वहां का जो एटमॉस्फियर है, गर्मी है, उसको नहीं सह पाते, और कुछ रास्ते में चलते चलते मर जाते हैं। तो करीब 10,000 स्पर्म ओवम तक पहुंचे, वो सभी चिपक जाते हैं ओवम से। लेकिन ओवम जो है किसी एक स्पर्म को ही फर्टिलाइजेशन के लिए परमिट करती है, और उसके लिए यहाँ पर ऐसे करके एक ऐसे उभार बना देती है, एक एक्सटेंशन बना देती है, उसको हम कहते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। मतलब ऐसे गोल ओवम है तो एक सिरे में ऐसे करके ऐसे एक कोन बना देगी, यहीं पर जो चिपका हुआ स्पर्म है सिर्फ वही अंदर घुस सकता है। तो ये सब प्रक्रिया होती है और अंदर घुस जाता है स्पर्म, और अंदर घुसने के तुरंत बाद जो जोना पेलुसिडा है वो उसके थोड़ा सा मॉडिफाई होकर एक लेयर बना देता है, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन दूसरे स्पर्म को जबरन घुसने से रोक देता है। अब जो दूसरे स्पर्म है जो बाकी जगह चिपके हुए हैं करीब 10,000 स्पर्म, वो उनमें से कोई अब इनके अंदर नहीं घुस सकते, मतलब पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए। पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज़्यादा स्पर्म अंदर न घुस सके, इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि जोना पेलुसिडा एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना देती है और वो बाकी स्पर्म को घुसने से रोक देती है। इस समय देखिए, मैंने आपको बताया था गैमेटोजेनेसिस के समय कि ओवम जो है सेकेंडरी ओसाइट के कंडीशन में रहती है, शुरू में उसमें मियोसिस टू कंप्लीट नहीं है, और ये जब स्पर्म घुसा उसी बीच में वो सेकेंडरी मतलब ओसाइट जो है सेकेंडरी ओसाइट वो मियोसिस टू कंप्लीट करती है और कंप्लीट ओवम बनती है, और इस बीच में यहाँ पर एक पोलर बॉडी भी अलग हो जाती है ना। और अब ये जो स्पर्म घुसा तो अब ये फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ है, जिसको हम सिनगेमी कहते हैं। फिर स्पर्म के जो क्रोमोसोम है
वो ओवम के क्रोमोसोम के साथ ऐसे पेयरिंग करेगा, उसको हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। ओवम और स्पर्म का मिलन फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी है, और उनके अंदर दोनों के क्रोमोसोम्स का मिलन वो एम्फीमिक्सिस है। तो ये दो चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन और क्वाइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इन टू द वेजाइना, दैट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि पेनिस जो है अंदर जाके वेजाइना के अंदर सीमन छोड़ देता है, जिसमें 20 से 40 करोड़ 30 करोड़ तक स्पर्म होते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इन टू द यूट्रस एंड फाइनल रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। तो मैंने बताया है देखिए कि वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, स्थमस से होते हुए एम्पुला तक पहुँचे, फेलोपियन ट्यूब का एम्पुला, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला है, ऐसा आपने देखा था कि ऐसा एक फनल है जिसमें ऐसे ऐसे उंगलियों जैसे उभार निकले हैं, फिर आगे जाके थोड़ा ऐसे करके ऐसे आगे गया था, है ना। तो ये एम्पुला है, इसी भाग में ओवम रहती है, तो उस दौरान फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुलरी रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। ध्यान रखेंगे सिर्फ एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि अगर उससे आगे बढ़ गया ओवम तो वो फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहेगी, और उससे पहले भी वो चूंकि मियोसिस टू की प्रिपरेशन पूरी नहीं कर पाए रहती है, तो उससे पहले भी उसको फर्टिलाइज नहीं किया जा सकता। ठीक एम्पुला में पहुंचते तक वो मियोसिस टू के लिए प्रोसेस कर पाती है, और वहां पर स्पर्म पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और इसीलिए जितने बार इंटरकोर्स किया जाए, सेक्सुअल रिलेशन बनाई जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहाँ पर हर बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान से किया जाए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड सिंगैमी, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम। देखिए कोरोना रेडिएटा को भेजेगा, फिर जोना पेलुसिटा में आएगा, एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ द एडिशनल स्पर्म। तो मैंने बताया ना कि जोना पेलुसिटा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना देता है, और उसके कारण से दूसरे स्पर्म उसमें नहीं एंटर कर सकते। दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। एक ही स्पर्म से एक ओवम फर्टिलाइज होगी, पॉलीस्पर्म यहाँ पर नहीं होगा। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इन टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए ये पिक्चर है, देखिए बहुत सारे स्पर्म यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। और ये देखिए कोरोना रेडिएटा हमने कहा था, क्योंकि इनके सेल्स ऐसे रेडिएटेड टाइप के हैं, ऐसे फैले हुए टाइप के हैं, कोरोना रेडिएटा है, उसके अंदर ये जोना पेलुसिडा है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इन सभी को भेदने के लिए इसके पास, स्पर्म के पास एंजाइम होते हैं, ए पेरिवेटेलाइन स्पेस, ये स्पेस है जो सेल मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में रहता है, ये पेरिवेटेलाइन स्पेस है, ठीक है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। तो मैंने बताया था कि स्पर्म घुसता है, एंटर करता है, उस समय मियोसिस टू होता है ओवम में, यानी सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट ओवम उसी समय बनती है, नहीं तो सेकेंडरी ओसाइट कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर चली जाएगी अगर फर्टिलाइज नहीं हुई तो। द सेकंड मियोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी एंड ए हैप्लॉइड ओवम या ऊटाइड, ओवम को ऊटाइड भी कहा जाता है। सुन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ ए ओवम फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। तो जैसा मैंने बताया स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, उसको सिंगेमी कहते हैं, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स का जो पेयरिंग हो जाता है, स्पर्म और ओवम के क्रोमोसोम की पेयरिंग, उसको हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन द जाइगोट? सिंपल सी बात है, 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स। One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. क्योंकि जो ओवम है उसके पास ऑटोसोम के अलावा एक्स होते हैं,
और स्पर्म के पास या तो एक्स होता है या वाई होता है ऑटोसोम के अलावा। अगर स्पर्म के पास एक्स है तो दोनों एक्स मिलके फीमेल, अगर वाई है तो एक्स वाई मिलके मेल। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कक्षा छठवीं से कि कैसे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है बच्चे का। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज एक्स एक्स एंड मेल इन एक्स वाई। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम एक्स, वेयर इज द मेल गैमेट स्पर्म द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर एक्स और वाई। तो यही है 50% एक्स और 50% वाई वाले स्पर्म होंगे। अब जो फर्टिलाइज कर दे तो वो लड़की या लड़का होगा, ये उस पर निर्भर करता है। हेंस 50% ऑफ स्पर्म्स कैरी द एक्स क्रोमोसोम व्हाइल द अदर 50% कैरी द वाई। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट कुड कैरी आइदर एक्स एक्स और एक्स वाई डिपेंडिंग ऑन द वेदर द स्पर्म कैरी एक्स और वाई फर्टिलाइज द ओवम। तो कौन सा स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है इस पर निर्भर करेगा। अगर एक्स एक्स बनता है जाइगोट में तो वो जो है फीमेल यानी लड़की बनेगी, और अगर एक्स वाई बनता है जाइगोट में तो वो मेल बनेगा। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। दैट इज व्हाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। हमेशा महिला को दोष दिया जाता है कि तूने लड़की पैदा कर दी, लड़की पैदा कर दी, लड़की पैदा कर दी, लड़का नहीं पैदा कर रही है। ये दोष नहीं देना चाहिए। और दोष क्यों देना चाहिए भाई, लड़की तो आखिर वो भी संतान है, लड़की पैदा ही हो गई, तो क्या लड़का लड़की में क्या अंतर है, है ना। ऐसा है तो ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर दोबारा आ गया, यहाँ तक कोई बात नहीं, है ना। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्थमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड द यूट्रस। तो शुरू में देखिए जो माइटोटिक डिवीजन होगा उसको क्लीवेज कहते हैं, क्योंकि उसमें ना जो सेल्स, जैसे मान लो ये क्लीवेज, ये जाइगोट इतना बड़ा है तो पहले डिवीजन में ये दो टुकड़े में बटेंगे तो दोनों इतने ही बड़े रह जाएंगे, इसमें ग्रोथ नहीं होगा। फिर चार में तो इतने इतने बड़े सेल ही रह जाएंगे, इनमें ग्रोथ नहीं होगा। फिर आठ में भी, है ना, फिर सोलह हो जाएंगे। तो मतलब ये है कि सोलह सेल होते तक इनके सेल्स का जो आकार है वो कट कट करके उतने टुकड़े होते चले जाते हैं और फिर ये बड़े नहीं होते, बस इतने ही रह जाते हैं। फिर इसके बाद जो डिवीजन होगा तो फिर वो उतने बड़े डेवलप करेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि ओवम का साइज नॉर्मल बॉडी साइज से काफ़ी बड़ा होता है तो क्लीवेज के द्वारा तोड़ करके उसको छोटा किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि क्लीवेज के दौरान चूंकि इसको बाहरी न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो भी कारण है कि सेल शायद ग्रो नहीं करते हैं, और जब वो आके यूट्रस में जुड़ जाता है तो फिर वो आगे सेल डिवीजन और फिर सेल का साइज इतना बड़ा मेंटेन रहता है, इतने बड़े मेंटेन रहेंगे ना, उससे बड़े नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे। टूअर्ड द यूट्रस एंड फॉर्म 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। तो जो क्लीवेज के द्वारा सेल्स बनते जा रहे हैं उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अगर छोटे और बड़े दो साइज के हैं तो छोटे वाले माइक्रोमियर और बड़े वाले मेगामियर, और जब 16 सेल बन जाते हैं उतने तक के स्टेज को हम मारूला कहते हैं। मारूला मतलब मलबेरी जैसा, मतलब एक सॉलिड मास होता है मारूला। देखिए द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल्स ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मारूला, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, ये फिगर हम पहले देख लेते हैं। तो ये है पहला, आप देख सकते हैं कि ये जाइगोट बना, सॉरी ये ओवम है, ओवम है, इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन्स भी हैं। ये एंटर किया स्पर्म, जाइगोट बना, जाइगोट में 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल बनते चले गए, तो 16 सेल तक को मारूला कहेंगे। और मारूला फिर आप देख सकते हैं कि वो आ करके यूट्रस में जुड़ेगा। तो देखिए कैसे जुड़ रहा है, तो ये एक तरफ का फेलोपियन ट्यूब है, ऐसे ये दूसरे तरफ का फेलोपियन ट्यूब रहेगा ना, ध्यान रखेंगे, बीच में यूट्रस है। तो फिर ये ओवम रिलीज हो रही, देख सकते हैं इससे ओवरी से ओवम रिलीज हुई, ओविलेशन, ये ओवम आगे चल के फर्टिलाइज हुई। फर्टिलाइज होकर के ये देखिए ये डिवीजन चालू हुआ है, और डिवीजन चालू होकर मारूला ब्लास्टुला स्टेज के बनते तक आकर के इम्प्लांट हो गया है, ठीक है ना। और जब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट बनता है उस दौरान इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, है ना। और आगे चल के फिर ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट गैस्टुला बनेगी। गैस्ट्रुला में 3 लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीनों लेयर बन जाते हैं, फिर उनसे हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसको यहाँ पर दिखाया है। द मारूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट और मारूला में अंतर ये है कि मारूला एक तो सॉलिड है, दूसरा ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एक कैविटी रहती है, उसमें लिक्विड भरा रहता है, क्योंकि तब तक वो यूट्रस में चिपक चुका रहता है और उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर चुका रहता है। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में वो इम्प्लांटेशन करता है, जरा ध्यान रखेंगे।
as it moves further into the uterus. The blastomeres in the blastocysts are arranged into outer layer called trophoblast and inner layer of cells called inner cell mass. देखिए जैसे कि ये ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ पर देखता हूँ शायद ये दिया हुआ तो ये ठीक है. देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे. इसमें एक तो बाहर में ये सेल्स का लेयर है, इसके सेल्स जो है ये ट्रोफोब्लास्ट कहलाते हैं. ये ट्रोफोब्लास्ट की विशेषता ये है कि यूट्रस में जब चिपकता है तो यहाँ से न्यूट्रिशन खींचने में ये मदद करते हैं, यही न्यूट्रिशन खींचते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रोफो फ्रॉम न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेने वाले सेल्स हैं. और अंदर में जो सेल का मास है इसे हम कहते हैं इनर सेल मास. और ये इनर सेल मास जो है ये एम्ब्रियो को डेवलप करता है, ठीक है आगे चल के. और ये जो बाहर का हमने कहा ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, यही आगे चल के जो है प्लेसेंटा का निर्माण करता है, और प्लेसेंटा परमानेंट फिर उससे जुड़ करके न्यूट्रिशन खींचना चालू कर देता है. वैसे तो ये चिपक करके इसी स्टेज में न्यूट्रिशन खींचता है, और ये जो बीच में ये लिक्विड भर रहा है ना, ये भी उसी से होता है कि यूट्रस से खींचना चालू हो जाता है. इसी स्टेज के लिए यूट्रस ने अपने आप को तैयार किया था, वो जो मोटा होता चला गया था लेयर वो इसी के लिए था. और धीरे धीरे ये अंदर घुस के गायब हो जाता है एक समय में, और फिर धीरे 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 ग्रो करके बाहर निकलता है, और फिर प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ जाता है. तो ये दो लेयर मैंने बताया, ट्रोफोब्लास्ट बाहर का और अंदर का इनर सेल मास, जिससे एम्ब्रियो बनता है. द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो. ये मैंने अभी आपको बताया, ये ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में. आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट अंदर घुस गया और यूट्रस का लेयर उसको ढक लिया, अंदर में घुस के गायब हो गया, जैसे दीवार है इसके अंदर घुस के गायब हो जाएगा ऐसा. ठीक है, फिर बाद में ग्रो करके फिर बाहर निकलना शुरू होता है. एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी. अब वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, इम्प्लांटेशन हो गया. सातवें दिन इम्प्लांटेशन होता है, ओव्यूलेशन के सातवें दिन. इस बीच में 24 घंटे में के अंदर वो फर्टिलाइज हुआ, और अगले 5-6 दिन 7 दिन में वो मारूला कंडीशन में आकर के सातवें दिन आकर के जुड़ जाता है, फर्टिलाइजेशन के सातवें दिन. ओव्यूलेशन के सातवें आठवें दिन हो सकता है, तो फर्टिलाइजेशन के सातवें दिन आके जुड़ता है, और वो मारूला स्टेज रहता है. जब जुड़ जाता है तो फिर वो ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन में इम्प्लांट होता है, अंदर घुसता है, क्योंकि वहां से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है. ठीक, अब ये आगे की चीज़ें जो हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता हूँ. ठीक है, अभी इतना ही पढ़ते हैं इस वीडियो में. तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, इससे मेरा चैनल थोड़ा सा बूस्टअप होगा आपकी हेल्प से, है ना. और लाइक ज़रूर कर दिया करें, लाइक करने से भी चैनल थोड़ा आगे बढ़ता है. और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और आगे भी आप कृपया जुड़े रहें, है ना. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू, बाय.